जून 2022 में ऐसे कौन से लैपटॉप हैं जो 50,000 और 60,000 के सेगमेंट में आपको लेने चाहिए, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक जोन, कल अब शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर महीने ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ। बेस्ट लैपटॉप सीरीज का ये पार्ट 2 है। इसमें मैं सिर्फ मिड रेंज लैपटॉप्स की बात करने वाला हूँ, 50,000 और 60,000 के प्राइस ब्रैकेट में। जितने भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ टॉप पिक्स वाले लैपटॉप रहेंगे। बाकी इस पूरे के पूरे लैपटॉप्स का लिस्ट देखने के लिए आप लिंक में देख सकते हो डिस्क्रिप्शन वगैरह में, और मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो। गूगल पर आप टेक्सोनिकल टाइप कर सकते हो, जो पहला रिजल्ट आएगा वो मेरी वेबसाइट है। और यहाँ पर लैपटॉप में जाकर आप 50,000 अंडर में देख सकते हो। जो शुरू के टॉप 4 है, मैं वीडियो में सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करूँगा, बाकी आप पूरी भी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन जो मैं टॉप 4 बता रहा हूँ, आप उन्हीं में से कोई चूज करो, ज़्यादा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी डील वही रहेगी। उसी तरह 60,000 के लिए भी मैंने सारे लैपटॉप्स की लिस्ट यहाँ पर अपडेट कर दी है। अब बात करते हैं सबसे पहले 50,000 में 14 इंच के कैटेगरी के लैपटॉप की। सबसे पहला लैपटॉप 14 इंच की कैटेगरी में, अगेन इस बार भी FQ1092AU रहेगा। पिछले दो महीने से मैं इसी लैपटॉप को रिकमेंड कर रहा हूँ। 50,000 के ब्रैकेट में 14 इंच की कैटेगरी में मुझे लगता है इससे बेटर वैल्यू फॉर मनी डील और कोई भी नहीं है। Ryzen 5 5500U वाला प्रोसेसर यहाँ पर मिल जाता है आपको। 8GB की रैम, 512GB की SSD मिलती है, और साथ में विंडोज 11 वगैरह का सपोर्ट मिल ही जाता है। बैकलाइट कीबोर्ड भी यहाँ पर दे रखा है। फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको बाकी सब कुछ काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि IPS डिस्प्ले भी मिलता है, तो इसलिए ये नंबर 1 पे इस महीने के लिए भी रहेगा। मुझे इससे ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी और कोई भी नहीं लगता है अभी की डेट में 50 के अंदर में। अगला लैपटॉप मैं जो आपको और रिकमेंड करना चाहूँगा वो है Acer का Aspire। इसमें अच्छी बात यह है ना कि i5 आपको मिल जाता है सिर्फ 50,000 के प्राइस ब्रैकेट में। साथ में इसमें IPS डिस्प्ले भी मिल रहा है, 512GB की SSD भी मिल रही है, 8GB की रैम भी मिल रही है, विंडोज 11 का भी सपोर्ट है, और यहाँ पर आयरिस XE का सपोर्ट मिल रहा है आपको i5 के साथ में। काफ़ी अच्छी सी बात है, यहाँ पर वो सब कुछ मिल जाता है जो एक लैपटॉप में होना चाहिए 50,000 के प्राइस ब्रैकेट में। बस Acer की एक समस्या ये है कि इनकी सर्विस वगैरह थोड़ी सी कम अच्छी होती है, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा 50,000 के ही कैटेगरी में, ये भी आता है MSI का मॉडर्न 15। अब आप देख सकते हो यहाँ पर Ryzen 5 5500U मिल रहा है, लेकिन 256GB की SSD मिलती है और 8GB की रैम मिलती है, लेकिन IPS डिस्प्ले यहाँ भी लगा हुआ है, और साथ में सिर्फ 1.3 kg का ये लाइट वेट सा लैपटॉप है। काफ़ी अच्छा सा लैपटॉप है, इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। मैं अपने पिछले वीडियोज़ में भी इसे रिकमेंड किया था, काफ़ी सही सा ये भी लैपटॉप है, और सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है। सिर्फ 42,000 रुपीज़ में आपको Ryzen 5 जैसा प्रोसेसर वाला लैपटॉप मिल जाता है, वो भी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी के साथ में। और चौथे नंबर पे जो टॉप पिक रहेगा 50,000 की रेंज में, वो है अगेन Honor का MagicBook X14। मुझे लगता है कि i5 10th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में, IPS डिस्प्ले के साथ में, 8GB रैम, 512GB की SSD, इन सब के बावजूद भी यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ ये है ना कि ये काफ़ी अच्छी प्रीमियम डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ी सर्विस वगैरह हो सकता है इनकी अच्छी ना हो, लेकिन यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो एक लैपटॉप में होना चाहिए, और उसके साथ में एक बेहतरीन सा डिज़ाइन और वेरी लाइट वेट डिज़ाइन विथ एल्युमिनियम बॉडी। ये तो बात हो गई 14 इंच की कैटेगरी में। अब बात करते हैं 15 इंच की कैटेगरी के। 14 इंच में ऑलमोस्ट जो लैपटॉप्स मैंने पिछले महीने बताए थे ऑलमोस्ट वही सब हैं, लेकिन यहाँ पर 15 इंच में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक लैपटॉप मुझे लगा है, वो है Asus का VivoBook 15। और ये काफ़ी अच्छा सा लैपटॉप है, एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख लो। i5 11 जनरेशन आपको मिलता है, 15 इंच का ये लैपटॉप है, 512GB की SSD मिलती है, और आपको 8GB की रैम भी मिलती है, विंडोज 11 और MS ऑफिस का भी सपोर्ट मिलता है, आयरिस XE ग्राफिक कार्ड भी मिलता है, और उसके साथ में आपको IPS डिस्प्ले मिल रहा है। 15 इंच में IPS डिस्प्ले अक्सर नहीं मिलता है, और इसमें वो चीज़ मिल रही है, उसके साथ ही यहाँ पर फिंगरप्रिंट रीडर भी दिया हुआ है, तो ये एक कंप्लीट पैकेज बनता है जस्ट 50,895 रुपीज़ में। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स यू कैन हैव इन 15 इंच कैटेगरी। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा, अगेन इस उसका VivoBook 15 ही है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये Ryzen 7 वाला प्रोसेसर का लैपटॉप है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है। यहाँ पर आपको Ryzen 7 3700U मिलता है, थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन आज की डेट में ये सिर्फ 50,000 में मिल रहा है। साथ में 16GB की आपको इन द बॉक्स रैम मिल जाएगी, और प्लस आपको 512GB की SSD मिल ही जाती है, ऑफिस का भी सपोर्ट और विंडोज 11 का भी सपोर्ट। यहाँ पर आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी सिवाय इसके कि यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले ऑफकोर्स नहीं मिल रहा है,
लेकिन अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस का लैपटॉप चाहिए, यह सिर्फ 50,000 में मिल रहा है। अभी पिछले महीने ये ऑलमोस्ट 60,000 के ब्रैकेट में था और अभी फॉर सम रीज़न इसका प्राइस काफ़ी ड्रॉप हो चुका है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप ऑप्शंस कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ लैपटॉप। अगले एक दो लैपटॉप को मैं रैंक देना चाहूँगा, डेल का एक इंस्पिरॉन 3511, इसी के दो अलग अलग वेरियंट हैं। और ये लैपटॉप की खास बात यह है ना कि आपको i3 11 जनरेशन मिल रहा है ऑफकोर्स, लेकिन यहाँ पर आपको 16 GB की रैम, 1 TB की हार्ड ड्राइव, 256 GB की SSD, ये सब कुछ मिल जाता है। प्लस एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ऑफकोर्स डेल में आपको WVA डिस्प्ले मिलते हैं, ऐसा कोई भी IPS डिस्प्ले वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता है, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और इसी का दूसरा वेरियंट है जो कि थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा आपको, ये 8 GB रैम वेरियंट वाला है। बाकी दोनों एग्जैक्टली सेम टू सेम लैपटॉप हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है, सेम मॉडल नंबर का लैपटॉप है। इन लैपटॉप्स को आप तभी कंसीडर करना कि आपको सिर्फ डेल वगैरह पे जाना है, देन इट इज़ फाइन। लेकिन मेरे ख्याल से एसोस का व्यूबुक 15 जो मैंने पहले नंबर बताया 15 इंच कैटेगरी में, दैट इज़ द फंटास्टिक लैपटॉप टू हैव। अगला लैपटॉप मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, i5 10th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में आता है, लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 3। यहाँ पर भी आपको 15 इंच में IPS डिस्प्ले मिलता है, लेकिन फैंटास्टिक थिंग, यहाँ पर 2 GB का MX330 का ग्राफिक कार्ड भी मिल रहा है। 47,000 रुपीज़ में आपको एक कॉम्पैक्ट बॉक्स मिल जाता है, सब कुछ मिलता है इस लैपटॉप में जो एक लैपटॉप में होना चाहिए। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना लगा दिया गया है 10th जनरेशन का, और ग्राफिक कार्ड भी थोड़ा सा पुराना है। लेकिन इनकेस अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह शुरू करनी हो ना, तो ये लेनोवो का आइडियापैड स्लिम 3 का ये वाला वेरिएंट लेना एकदम परफेक्ट हो सकता है। आप अपनी जर्नी टूवर्ड्स वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू कर सकते हो, और इसमें अच्छा डिस्प्ले भी आपको मिल जाता है, IPS डिस्प्ले वगैरह। और एक आखिरी लैपटॉप और बताना चाहूँगा मैं, जो एसोस का व्यूबुक K15 वगैरह है, ये भी आप देख सकते हो, मैंने पिछले महीने भी काफ़ी बार इसको रिकमेंड किया हुआ है। बस आपका यहाँ पर फोकस सिर्फ OLED डिस्प्ले है तो ठीक है, अदरवाइज आई हैव टोल्ड यू मेनी बेटर ऑप्शंस। अब बात करते हैं थोड़े एक्सपेंसिव सेगमेंट की, 50,000 से 60,000 के बीच में। सबसे पहले 14 इंच की कैटेगरी, सबसे पहला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा, ये अजीब हो गया थोड़ा सा, मैंने जब इसको इंक्लूड किया तो ये सिर्फ 59,000 का था, अब प्राइस बढ़कर 69,000 दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, लेकिन ये लैपटॉप को मैंने सिर्फ 59,000 पे देख रखा है। इनकेस अगर आपको मिल जाए ना 59,000 में, तो कमाल की बात हो जाएगी। EC0007AX Ryzen 7 का प्रोसेसर लगा है, 5700U, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD और MX450 2 GB का ग्राफिक कार्ड भी। इतना सब कुछ मैंने 59,000 पे देख रखा था। आई डोंट नो, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका प्राइस थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर ये 59,000 में फिर से कभी मिले तो दिस इज ए यू नो मस्ट ग्रैब डील टाइप लैपटॉप। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का लैपटॉप, इवन के 70,000 के प्राइस ब्रैकेट में भी जस्टिफाइड सी प्राइसिंग है, क्योंकि यहाँ पर डेडिकेटेड ग्राफिक है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सा तो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने इसे ऑलमोस्ट 60,000 पे देख रखा था। सो जस्ट फॉर योर कंसिडरेशन। लेकिन अब मैं पहला लैपटॉप बताना चाहूँगा जो 14 इंच की कैटेगरी में 60,000 के प्राइस ब्रैकेट में Ryzen 7 5700U के साथ में ये भी आता है, FQ1083AU। पिछले महीने भी मैंने इसी लैपटॉप को बताया था, 8 GB की रैम है, यहाँ पर 512 GB की SSD है, विंडोज 10 का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, ऑफिस 2019 का सपोर्ट मिल जाएगा, बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगी, फिंगरप्रिंट रीडर यहाँ पर नहीं होता है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन यहाँ पर IPS डिस्प्ले वगैरह लगा हुआ है। सेकेंड नंबर पे जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा वो है लैपटॉप EC0037AU। इसके और भी वेरिएंट्स आते हैं, 33AU, 35AU, तमाम तरह के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। सब में थोड़ा थोड़ा कलर का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, फुल HD IPS यहाँ पे भी मिल जाता है आपको, Ryzen 5 का प्रोसेसर मिलता है, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पर है। और अगला लैपटॉप एक बताना चाहूँगा मैं, इसी महीने इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले ये नहीं एग्जिस्ट करता था, काफ़ी अच्छा सा लैपटॉप है। अगर आपको एंड्रॉयड इम्यूलेटर वगैरह चलाना है तो उसके लिए काफ़ी सही लैपटॉप रहेगा। इनकेस अगर आप थोड़ा सा कोडिंग वगैरह के स्टूडेंट हो और आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है, तो आई सजेस्ट कि Ryzen के प्रोसेसर वगैरह लैपटॉप्स मत लेना, क्योंकि एंड्रॉयड इम्यूलेटर वहाँ पर ढंग से नहीं चलता है। अगर एज ए कोडिंग स्टूडेंट आपको कोई भी लैपटॉप चाहिए, इन जनरल आप देख रहे हो इंटेल के प्रोसेसर के साथ में, तो ये काफ़ी अच्छा सा लैपटॉप है, EF1000TU। इसमें लगा हुआ है i5 11th generation का प्रोसेसर, 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, Iris Xe का ग्राफिक वगैरह का सपोर्ट मिल ही जाता है, बैकलिट कीबोर्ड वगैरह भी यहाँ पर लगा हुआ है, विंडोज 11 का सपोर्ट है, MS Office भी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर।
अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा 14 इंच की ही कैटेगरी में, वो है HP का DV1000TU। पिछले महीने भी ये लिस्ट में था, सेम टू सेम वही चीज़ें मिलती है। यहाँ पर भी आपको IPS डिस्प्ले वगैरह मिल जाता है, बस फ़र्क इतना सा है इसकी बिल्ड वगैरह थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है और ऐसे टाइप के दिखने वाले लैपटॉप की बिल्ड थोड़ी सी कम अच्छी होती है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे जैसे राउंडेड है और यहाँ पर ये जो चीज़ है स्क्वायर टाइप में है ऑलमोस्ट, तो इनकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए इनकी प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होती है। और एक आखिरी लैपटॉप मैं बताना चाहूँगा, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहना है, आपको IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं चाहिए, तो उस केस में आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। i7 10th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में आता है, 16GB की रैम है, 512GB की SSD है। एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सभी का लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। और अब बात करते हैं 15 इंच की कैटेगरी में लैपटॉप की, क्योंकि 60,000 के प्राइस ब्रैकेट में 15 इंच में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक लैपटॉप मुझे लगा है, वो है Asus का VivoBook 12th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर के साथ में। Asus का VivoBook 15 ये रिसेंटली लॉन्च मॉडल है, i5-1240P वाला प्रोसेसर लगा है। अब आपको अगर पता होगा 12th जनरेशन प्रोसेसर में ना पी सीरीज के प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और इसमें आपको IRIS-XE वगैरह मिल ही जाता है, 8GB की रैम, 512GB की SSD मिल जाती है। लेकिन इस प्रॉब्लम एक लैपटॉप में जल लगी ना, यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वो चीज़ कम हो गई, लेकिन बाकी सब कुछ काफ़ी सही है। यहाँ पर 3200 MHz की रैम वगैरह भी मिल जाती है। अब आप देखो कि ये पी सीरीज़ का जो प्रोसेसर है ना, इसमें 4 पावर कोर होते हैं और 8 एफिशिएंसी कोर्स होते हैं, टोटल 12 कोर्स होते हैं, 16 थ्रेड्स होते हैं, काफ़ी अच्छी सी बात होती है ये। और इसकी टर्बो बूस्ट की फ्रीक्वेंसी भी 4.4 GHz तक जाती है। ये जो बेस फ्रीक्वेंसी दी जाती है वो एफिशिएंसी कोर्स की होती है, ना कि पावर कोर्स की होती है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इन जनरल जो i5-11th जनरेशन का प्रोसेसर लोगे उसकी बेस फ्रीक्वेंसी भले ही आपको 2.2 GHz या 3 GHz दिखेगी, लेकिन ये जो 4 कोर्स होते हैं ना वही चीज़ वहाँ पर लगी है। तो यहाँ पर जो 8 ये एफिशिएंसी कोर मिल रहे हैं वो एक्स्ट्रा हैं, ना कि आपके i5-11th जनरेशन के प्रोसेसर जैसा यहाँ पर कुछ भी है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना कि 12 जनरेशन वाले प्रोसेसर के लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आई होप कि 12 जनरेशन के प्रोसेसर वाले लैपटॉप विद इन द 50,000 प्राइस ब्रैकेट में जल्द ही अवेलेबल हो जाएँ, लेकिन बहुत ही मुश्किल लग रहा है। i3 12 जनरेशन के लैपटॉप अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो जल्द ही शायद अगले महीने तक आ जाएं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखना, वो जब भी लैपटॉप आते हैं मैं अपने चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अभी की डेट में अगर आपको 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ लैपटॉप लेना है तो 15 इंच कैटेगरी में आप ये लैपटॉप खरीद सकते हो। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा 15 इंच की कैटेगरी में, वो है अगेन Ryzen 5 का EH1101AU, काफ़ी अच्छा सा लैपटॉप है HP की तरफ से। ये भी 8GB की रैम, 512GB की SSD, यहाँ पर IPS डिस्प्ले वगैरह मिल जाता है, काफ़ी अच्छा सा ये भी लैपटॉप रहेगा। और इनकेस अगर आपको 50,000 से 60,000 के बीच में कोई 2-in-1 लैपटॉप खरीदना है तो एक लैपटॉप काफ़ी अच्छा सा है, वो है Lenovo का IdeaPack Flex 5। इस लैपटॉप में i3-11th जनरेशन का प्रोसेसर है, लेकिन इसका टच स्क्रीन वगैरह काफ़ी अच्छा है और इसकी हिंज भी काफ़ी अच्छी है। 8GB की रैम, 512GB की SSD आपको मिल जाएगी और ये पूरी मेटेलिक डिज़ाइन का लैपटॉप है। इसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाकर पुराना वीडियो चेक कर सकते हो। इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कंसिडरिंग द प्राइस ऑल्सो, और डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 2-in-1 में दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव। बाकी डेल वगैरह पे मत जाना क्योंकि उसमें अजीब सा ही डिस्प्ले लगा होता है 2-in-1 में, आई डोंट थिंक एनी वैल्यू फॉर दैट। सभी लैपटॉप का लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और मेरी वेबसाइट techzonical.in पे। मिलते हैं इसी वीडियो के पार्ट 3 में, जिसमें प्रीमियम सेगमेंट की मैं बात करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।